तो भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 900 के पार चली गई है, जबकि अब तक इस वायरस से 21 लोगों की जान चली गई है। केरल में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि केरल में कोरोना की वजह से अब तक एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी। मैं मध्य प्रदेश में एक पत्रकार के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मैं PM मोदी ने देश के सभी मेडिकल संस्थानों से तैयार रहने को कहा है। PM ने कहा है कि देश के सभी हेल्थ केयर वर्क फोर्स को चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट डॉक्टर से मदद लीजिए जो आयुष योजना से जुड़े हैं। मैं PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों से अपील की है। PM ने लिखा है कि मेरे साथी भारतीयों से मेरी अपील है कि कृपया PM केयर्स फंड में योगदान करें। यह फंड भी इसी तरह की परेशान करने वाली स्थितियों को पूरा करेगा। उधर लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन चिंता का सबब बना हुआ है। मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ गृह राज्य लौट रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट प्रशासन को आदेश दे कि इन लोगों को हर जगह शेल्टर होम में रहकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।